चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। तो आए मेरे साथ, यहाँ पे बहुत प्यारी चुड़ियाँ नजर आ रही। स्टार्ट हो गई है लगना, 2 घंटे वेटिंग, मेरी मेहंदी लग गई। अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ी तबीयत मेरी नासाज है, फीवर वगैरह चल रहा है। दुआ करें अल्लाह पाक मुझे सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और सबको और आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज चांद रात है तो सईद कह रहे हैं उठो चलो कहीं चलते हैं, कुछ देख कर आते हैं, कोई रौनक मेला। तो मेहंदी भी लगवानी है, अभी तक मैंने लगाई नहीं है क्योंकि मुझे एलर्जी, फ्लू एलर्जी हो जाती है तो फ्रेगनेंस वगैरह से, इस वजह से मैंने अभी तक लगाई नहीं है। तो रहीला और सानिया तो चले गए थे, आप ही यहाँ पर हैं, फरहाद है और शज्जी है। शज्जी को हम साथ लेकर जा रहे हैं, देखते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं। लेट्स गो। तो हम आ गए हैं जौहर, शज्जी को लेके। शज्जी हमारे साथ था, हमने कहा चलो कोई झूले वूले लिए जाए, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है। रास्ते में हमें नज़र आ गया था, मैं भी लूँगी, ठीक है शज्जी। तो ये ट्रेन चल रही है, शज्जी बहुत एक्साइटेड हुआ है झूलों को देख के, कुछ तो मिला। शज्जी कह रहा है मुझे इस पे बैठना है। तो चांद रात है आज, सारे बहुत एक्साइटेड हुए हैं, अपने सारे बच्चों को लेकर आए हुए हैं क्योंकि बच्चे क्या एंजॉय करेंगे, जाहिर सी बात है राइड्स एंजॉय करेंगे। हमारा भी बच्चा हमारे साथ है शज्जी, तो अब हम टिकट्स ले रहे हैं, 1-2 झूले लेते हैं, फिर आगे मार्केट की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि कितना मज़ा आता है। मेरी आवाज़ कम निकल रही है क्योंकि फ्लू, आपको बता चुकी हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। और प्लीज़ जो जो मुझे देखे वो से माशाल्लाह किया करे, मेरी स्किन को देख के काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं आप क्या यूज़ करते हैं, तो मैं कुछ भी यूज़ ऐसा नहीं करती हूँ, जो मुझे टोकता जाता है फ़ौरन तो ऐसे पिंपल मेरे आ जाता है। तो आप लोग मुझे देख के माशाल्लाह बोला करें। छोटी सी बेबी कितनी इंजॉय कर रही है इसमें, मेरा भी दिल कर रहा है बैठूँ। तो आप सही लोग आ गए कश्ती वाले झूले पे, देखते हैं शजी, मजा नहीं है तो फिर कैसे वापस करूंगा, डर लगेगा, डर लगेगा, तुझे यहां से बैठना पड़ेगा मुझे वहां पक्का पकड़ के, नहीं सही दोनों साथ बैठना ताकि वो गिरे ना, स्लिप ना हो जाए, क्योंकि बैलेंस नहीं है ना आगे पकड़ने का। ये शायद नहीं नहीं जाएगा ऊंचा, क्या जरूरत है ऐसे, नहीं हाँ पकड़ लेना इसको। तो इन्होंने पूरा मजा लेना है लास्ट में बैठ के। ओके बेस्ट ऑफ लक, मैं वहां से वीडियो बनाऊंगी। तो ये स्टार्ट हो गया झूला इनका, ये अगर इतना चलाए तो मैं भी बैठ जाऊं, इससे ऊंचे पे नहीं बैठ सकती। अब शज्जी को थोड़ा डर लग रहा है, डर लग रहा है, मजा आया, उल्टी करने वाला था, कहते अंकल रोक लो बड़ा उल्टी कर दो। तो शज्जी कैसा लगा आपको? मुझे चक्कर आ रहे हैं अभी तो, ये बोल रहा था मुझे कोने में बिठाओ उस जगह पे, कह रहा था मैं अलग बैठूंगा, मैंने सईद को कहा नहीं सईद ऐसी गलती नहीं करना, अलग नहीं बिठाना इसको, अभी तो जाहिर है डर जाता है एकदम बंदा, मैं डर जाती हूँ, ये तो अभी छोटा है। अब ये लोग जा रहे हैं इस वाले झूले पर, मैं नहीं बैठ रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बैठ जाए साथ ही। अब शज्जी सोच रहा है कि बैठूं या ना बैठूं, बैठ जाए खैर है, यश शज्जी को ही बिठा दें बस, आपने नहीं बैठना तो हाय हाय अब पता चलेगा, ज्यादा ना घूमे वरना इसको वाकई वॉमिट आएगी। जौहर पर है तो हम यहाँ पे आए हैं कुछ छोटी मोटी चीजें देखने के लिए, देखते हैं। मुझे अपना बचपन का वक्त याद आ गया, ये कार्स देखकर हम स्कूल के बाहर, मतलब ना जब हमारी छुट्टी होती थी चांद रात से पहले, तो सही हम कार्स लेने के लिए टीचर्स के लिए और ऐसे खड़े हो जाते थे, और अब ज़माना ही नहीं रहा। यहाँ पे बहुत प्यारी चुड़ियाँ नज़र आ रही हैं, देखते हैं। तो
काम अंदर पूछना था तो मैं बाहर आ गई, और मैं कह रही सही बस ऑफिस चलते हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या गर्मी इतनी है ना, गर्मी बहुत है। और राज्य की आवाम दिखाएं कैसे जिंदा दिल अब हमने थोड़ी बहुत चीजें लेनी थी वो ले ली हैं, और बहुत रश है। कराची की जिंदा दिल आवाम है। ये देखें ऐसे बारीक बारीक गलियां हैं, उनके अंदर स्टोक मतलब वो बनी हुई है शॉप्स, और लोग औरतें अंदर घुसी हुई। आपको पता है कि औरतें घबराती नहीं है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों घबरा जाती हूँ। असल में हमने जब भी शॉपिंग वगैरह की है ना सईद, और हम जब भी गए हैं चांद रात पे भी और कहीं भी, तो ना हम जाते थे तारीफ रोड, तो हम बाई बाई से बस घूमते थे और खाना पीना जोहर में भी क्या रोना कहते हैं, जोहर भी वाकई बहुत रोना गए, सारे रोड ही देखा नहीं, जोहर नहीं देखा। हम सिर्फ मॉल्स वगैरह जाते थे और जाते थे, और ऐसी जगहों पे ज्यादा मजा आता है। चोरों की होती थी, अभी अंडरपास बन गया है, वो वहां पे चला जाता है, बंदा पता नहीं कहां से घूम के आना पड़ता है। तो आए फिर चलते हैं आगे कहीं। शची पहुंच गया, वो छोटे बच्चों का है, अब ये बड़ा हो गया, इसलिए हमने इसके लिए स्पेशली ये बड़ा ढूंढा है ताकि एंजॉय कर सके। तो बेटा बहुत अब घूम फिर लिया है, अब खाएंगे आइसक्रीम। हम यहाँ आए हैं आवन और जूस पे। सजी को मैं खिलाता हूँ आइसक्रीम। सजी कौन सी खाएगा आइसक्रीम, मुझे बता कौन सा फ्लेवर अच्छा होता है। वनीला ही वो खाता है। टाइम 2:30 बजने वाले हैं और अभी हम फ्री हुए हैं, हमने कहा चलो अब कुछ ठंडा मीठा हो जाए, तो इन्होंने कहा हम शेक वगैरह आइसक्रीम वगैरह खाएंगे। बंद होता जा रहा है, मैं नहीं मंगवा रही। आपको कैसा लगा शजी यार? मज़ा आया था जी, पता तो चले ये मज़ा आया कि नहीं। बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा। अच्छा सही रहा, अपना शेक पी रहे, आइसक्रीम खाई जा रही है, अच्छी है शजी। और आप ही लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग कहाँ गायब हो गए, कहाँ भाग गए हैं अचानक, कि इतना टाइम हो गया। मैंने दूसरा फ़ोन पे उनको मैसेज कर दिया था, वो अपनी फ्रेंड के घर चली गई थी। उस टाइम मैं सो गई थी, मेरी तबीयत उस टाइम बहुत ख़राब हो रही थी, मैंने टैबलेट ली और मैं सो गई। तो फिर मैं उठी तो सही ने कहा चलो चलते हैं कहीं बाहर, पता तो चले कि चांद रात है। मैंने कहा चलें चलते हैं, फिर हमने शजी को लिया साथ और हम लोग निकल आए। अब फरहाद अकेला बैठा हुआ था बेचारा, तो अब देखते हैं आप भी और फरहाद क्या करने होंगे, क्योंकि सुबह की भी फिर तैयारी करनी है, कुछ मीठा बनाया जाएगा और फिर आगे की रूटीन शेयर करती हूँ। अभी तक मैंने मेहंदी नहीं लगवाई, जो मेरा इतना दिल कर रहा है लगवाने का, बट मैं कह रही हूँ मुझे एलर्जी ना हो जाए, तो मैं थोड़ा देख के अपनी तबीयत को तब लगाऊँगी। हम लोग आ गए थे और अब हम मेहंदी लगवाने जा रहे हैं। मेहंदी दिखाओ, मेहंदी कितनी प्यारी है, मेहंदी दिखाओ, मेहंदी दिखाओ। इसकी कैसे खराब नहीं हुई मेहंदी, कैसे लगाने दी इसने, किसे लगाने दी, कितने पैसे लिए हैं, कितने पैसे लिए हैं। तो ये मेरी फाइनली मेहंदी स्टार्ट हो गई है लगना, 2 घंटे वेटिंग के बाद। अच्छी लगाएंगे, दिल से लगा रही हूँ मैंने, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी। तो फाइनली मेरी मेहंदी लग गई है, अब घर मिलेंगे हम। चार रात मेरी ऐसे बंद करके हाथ ऊपर। तो गाइस मैंने यहाँ से मेहंदी लगवाई है, बहुत ही प्यारी मेहंदी। चलो जी, अंधेरा हो गया है, अंधेरा क्या कह रही हूँ, सॉरी, रोशनी हो गई है। अभी सूरज 6:15 हो रहे हैं और आप फिर 7 बजे अजान भी है। टाइम दिखाते हैं,
क्या टाइम हो रहा है? 6:15 मैं पौने जल्दी से चलो रीत की तैयारी करते हैं। अब बाकी आप कुछ बनाते हैं, आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो और मुझे अपनी दुआओं में और सईद को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें और बहुत सारा प्यार देते रहें। अब मिलेंगे ईद की तैयारी के साथ। ईद पर